केबीसी सीजन 13 एपिसोड 2 में आप लोग का स्वागत है। तो पिछला एपिसोड में हमने देखा था कि नेहा वाटला खेल रहे थे, आगे का खेला कंटिन्यू होता है डॉक्टर नेहा वाटला के साथ, जो 2000 रुपए जीत चुके होते हैं। अब सवाल नंबर 3, भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह कहाँ संपन्न हुआ था? ए किष्किंधा, बी मिथिला, सी दक्षिण कोसल, डी गंधार। तो इसका सही जवाब है मिथिला। मिथिला प्राचीन भारत में राज्य था। मिथिला वर्तमान में एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसमें बिहार के तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल तथा झारखंड के संताल परगना प्रमंडल के साथ साथ नेपाल के तराई क्षेत्र में कुछ भाग भी शामिल है। तो ये मिथिला क्षेत्र है। जो किष्किंधा है, जो कि आज हम्पी है, आज के संदर्भ में यह राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास माना गया है। और दक्षिण कोसल, यह प्राचीन के एक क्षेत्र विशेष को कहते थे जो वर्तमान छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी उड़ीसा कहलाता है। और दक्षिण कोसल का जो कैपिटल है, राजधानी थी, वो श्रावस्ती थी। अब गंधार प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक था। इस प्रदेश का मुख्य केंद्र आधुनिक पेशेवर और आसपास के इलाके थे। इस महाजनपद के प्रमुख नगर थे पुरुषपुर तथा तत्सिला। तत्सिला इसकी राजधानी थी। प्रश्न नंबर 3, इमेज देख के यह बताना है कि यह फल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, मतलब इस फल में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन सी, बी विटामिन बी, सी विटामिन ए, डी विटामिन डी। तो इसका सही जवाब है विटामिन सी। ये जो दिख रहे हैं ये आंवला है, आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन बी आप जान रहे हैं, ये ज़्यादातर हरी सब्जियां में पाई जाती है, हरा मटर और मछली में भी पाया जाता है। और जो विटामिन ए है वह गाजर, आम इत्यादि सब में पाया जाता है। और विटामिन डी आप लोग जान रहे हैं, यह सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, मतलब सनलाइट से विटामिन डी मिलती है। नेक्स्ट अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जीव पेड़ पर चढ़ सकता है, मतलब दिया गया जो ऑप्शन है इनमें से बताना है कि कौन सा जानवर पेड़ पर चढ़ सकता है। ऑप्शन ए हाथी, बी जिराफ, सी मगरमच्छ, डी दरियाई घोड़ा। तो इसका सही जवाब है मगरमच्छ। मगरमच्छ जो क्रोकोडाइल है यह पेड़ पे भी चढ़ सकता है। और क्रोकोडाइल नेशनल चंबल सेंचुरी में पाया जाता है और इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, इसमें भी मगरमच्छ पाए जाते हैं। और कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये यूपी में है, ये सब क्रोकोडाइल सेंचुरी के लिए फेमस है। और जो हाथी है, हाथी का जो पहला सेंचुरी है, फर्स्ट सेंचुरी, वह झारखंड के सिंहभूम जिले में है। जो पहला हाथी के लिए सेंचुरी था वह सिंहभूम एलिफेंट रिजर्वायर है जो कि झारखंड में है। और जिराफ आपको सिर्फ मैसूर जू में ही देखने को मिलेगा और इसके अलावा शायद ही कहीं है। और दरियाई घोड़ा, तो दरियाई घोड़े जान रहे हैं कि ज़्यादातर यह काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा जाता है और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। प्रश्न नंबर 7, कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पूर्वी तट से टकराया था? ऑप्शन ए चक्रवात नीलोफर, बी चक्रवात यास, सी चक्रवात उदहुद, डी चक्रवात फनी। इसका सही जवाब है चक्रवात यास। जो चक्रवात यास है यह मई 2021 में भारत के जो पूर्वी तट हैं, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इस सब के तट से टकराया था। और चक्रवात जो नीलोफर है ये गुजरात के क्षेत्र से टकराया था और यह अरेबियन सी में उत्पन्न हुआ था और इसकी ज़्यादातर हानि गुजरात में हुई थी। और चक्रवात हुदहुद और यह ज़्यादातर डैमेज किया था ईस्टर्न इंडिया के और नेपाल के कुछ हिस्सों को डैमेज किया था चक्रवात हुदहुद। और चक्रवात जो फनी है यह ज़्यादातर स्ट्राइक किया था स्टेट ऑफ उड़ीसा।
सवाल नंबर 8। यह एक ऑडियो क्लिप है और यह ऑडियो क्लिप में एक प्रधान पुजारी हैं जो बोल रहे हैं, और इस आवाज़ को सुनकर बताना है कि यह आवाज़ किसकी है। प्रदेश नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश देश की सोच अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ बनने जा रहा है। आज से 3 साल पहले जिस प्रदेश को कहा जाता था कि यह बीमारू प्रदेश है, आज वह देश की टॉप अर्थव्यवस्था में से एक है। और इसका सही जवाब होता है गोरखनाथ मठ। गोरखनाथ मठ प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ की आवाज़ है। जो अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 9। विश्व की सबसे वाइड या चौड़ी नदी कौन सी है, मतलब वर्ल्ड की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए नील, बी यांगसी, सी अमेजॉन, डी डैन्यूब। तो इसका सही जवाब है अमेजॉन। जो अमेजॉन है यह वर्ल्ड की सबसे चौड़ी नदी है। यह साउथ अमेरिका में इसकी चौड़ाई लगभग 11 किलोमीटर तक होती है जब बाढ़ की स्थिति ना हो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब बाढ़ आए तो कितनी चौड़ी हो सकती है। जो नील नदी है वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, मतलब सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। और नील 10 कंट्री से होकर गुजरती है, जैसे बुरुंडी, तंजानिया, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा, सूडान, इथोपिया और साउथ सूडान। ये सब कंट्री से हो सके नील नदी बहती है। और जो यांगसी नदी है ये सबसे लंबी नदी है एशिया की, मतलब एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी है। और यह वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन जो बन रहा है, हाइड्रो पावर स्टेशन जो बना है यह यांगसी नदी पे ही है। उस डैम का नाम है थ्री जॉर्ज डैम। और जो डेन्यूब नदी है यह सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप में, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का डेन्यूब। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, उसके बाद फिर डेन्यूब का नंबर आता है यूरोप में। तो अगला सवाल है प्रश्न 10। इस रासायनिक तत्व का नाम एक पति पत्नी की जोड़ी के नाम पर रखा गया है। ए बोरियम, बी क्यूरियम, सी फर्मियम, डी सीबोर्गियम। तो इसका सही जवाब है क्यूरियम। आप लोग नाम सुने ही होंगे मैडम क्यूरी का। तो मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी। पति का नाम पेयरे एंड मैडम का नाम मैरी, तो प्लेरे एंड मैरी क्यूरी, इस नाम से क्यूरियम है। बोरियम, बोरियम का नाम जो पड़ा वो साइंटिस्ट का नाम नील बोर है, नील बोर से बोरियम का नाम पड़ा। और फर्मियम का नाम एनरिको फर्मी के द्वारा पड़ा, और सी बोरियम का नाम ग्लेन टी सी वर्ग के नाम पर पड़ा। सवाल नंबर 11। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में स्थित भारत माता मंदिर के गर्भगृह में भारत की आराधना किस रूप में की जाती है। ए अविभाजित भारत का नक्शा, बी सिंह पर सवार भारत माता, सी भारत का झंडा, डी निरंतर प्रज्वल ज्योति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अविभाजित भारत का नक्शा। लेकिन सवाल में मैडम अटक जाती है और यहाँ पे एक लाइफलाइन लेती है जो फ्लिप द क्वेश्चन होता है। फ्लिप द क्वेश्चन के बाद ये जब जवाब देती है जवाब वही रहता है ए अविभाजित भारत का नक्शा, और इनका जवाब सही होता है, लेकिन यह लाइफलाइन के कारण ये इनके सामने दूसरा सवाल होगा। तो अविभाजित भारत का जो नक्शा है इस मंदिर का निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्ता ने करवाया था, और 1936 में महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। मंदिर का निर्माण कार्य दुर्गा प्रसाद खत्री के मार्गदर्शन में हुआ था, और संगमरमर से बने इस मंदिर के गर्भगृह में अखंड भारत का मानचित्र है जिसमें पर्वत, पठार, मैदान सब दिखाई देता है। तो इसी के साथ फ्लिप द क्वेश्चन आता है। 2021 में प्रकाशित अभिनेत्री नीना गुप्ता की आत्मकथा का क्या शीर्षक है। ऑप्शन ए सच का सामना, बी सच और झूठ, सी सच के सिवा कुछ भी नहीं,
डी सच कहूँ तो। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी सच कहूँ तो। सच कहूँ तो ये नीना गुप्ता का पुस्तक है, इसमें उसकी आत्मकथा है। यह बहुत ही सुंदर तरीके से दिल खोल के अपने जितने भी जीवन की व्याख्या की थी, दुख दर्द अच्छे दिन थे, सब उनके बारे में उन्होंने बताया है, उनके बारे में कहा है। सवाल नंबर 12, इस फार्मेटिकल दिग्गज के बारे में कहा गया है, अफ्रीका में सिप्ला एक मंदिर है और डॉक्टर डैश भगवान। ऑप्शन ए दिलीप सांघवी, बी देशबंधु गुप्ता, सी यूसुफ हामिद, डी संप्रदा सिंह। तो इसका सही जवाब है यूसुफ हामिद। जॉनसन एंड जॉनसन के पूर्व अध्यक्ष अजीत दांगी ने डॉक्टर यूसुफ हामिद सिप्ला के अध्यक्ष के लिए ये कहा था। डॉक्टर हामिद के पिता डॉक्टर ए हामिद ने 1935 में सिप्ला की स्थापना की। सिप्ला द्वारा अफ्रीका और अन्य डेवलपिंग नेशन के जो गरीब लोग थे उनके इलाज के लिए जेनरिक एड्स और दूसरी दवाएं वो सप्लाई की थी। तब से उन्हें अफ्रीका में कहा जाता है ये भगवान है। सवाल नंबर 13, पूर्व क्रिकेटर सुसान इटीचेरिया राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस खिलाड़ी की माँ है? ऑप्शन ए ज्वाला गुप्ता, ऑप्शन बी अंजू बॉबी जॉर्ज, सी दीपिका पल्लिकल, डी अश्वनी पोनप्पा। तो इस सवाल पे मैडम जी को सही आंसर पता नहीं होता है। इस सवाल पे मैडम क्विट करती है और यह 12,50,000 तक जीतती है। यहाँ पे अगर वो उत्तर देती तो उनका उत्तर गलत होता। सही उत्तर है दीपिका पल्लिकल। स्क्वॉश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल की माँ सुसान इटीचेरिया ने 1976 से 78 के बीच 7 टेस्ट मैच और 2 ओडीआई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया और इटीचेरिया ने घरेलू स्तर पर तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व किया था और यह एक मीडियम पेसर बॉलर थी। तो नेहा बाटला उत्तराखंड के रहते हैं और यह 12,50,000 जीतकर जाती है। तो इसी के साथ आता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला सवाल है, इन फिल्मों के शीर्षक में आई कौन सी जगह सबसे पश्चिम में स्थित है? ए जौहर महमूद इन गोवा, बी थीप ऑफ बगदाद, सी एक्स इन पेरिस, डी लव इन टोक्यो। इसका सही जवाब है एक्स इन पेरिस। यह सबसे पश्चिम में स्थित है। देखा जाए गोवा जो इंडिया में है, जो बगदाद ये इराक में है, पेरिस जो फ्रांस का कैपिटल है वो फ्रांस में है पेरिस, और डी जो टोक्यो है यह जापान में है। जापान का कैपिटल टोक्यो, फ्रांस का कैपिटल पेरिस और बगदाद का कैपिटल इराक, और बाकी इंडिया में तो गोवा है। तो इसका सही जवाब होता है एक्स इन पेरिस। अब इसी के साथ अगला प्रश्न है, इनमें से किस गणना का मान सबसे छोटा होगा? मतलब जब कैलकुलेशन करेंगे तो इनमें से किसका सबसे छोटा मान होगा? ऑप्शन ए 13 घटा 13 मीन्स 13 माइनस 13, ऑप्शन बी 13 जमा 13 मतलब 13 प्लस 13, सी 13 भागा 13 मीन्स 13 डिवाइडेड बाई 13, ऑप्शन डी 13 गुना 13 मतलब 13 मल्टीप्लाई बाई 13। अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 13 माइनस 13 इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अब आखिरी सवाल, इनमें से किस राजनीतिक दल का गठन सबसे बाद में हुआ, मतलब सबसे लेट किस पार्टी का गठन हुआ? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सी इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डी समाजवादी पार्टी। तो इसका सही उत्तर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का गठन 4 अक्टूबर 1992 में हुआ था और भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 में हुआ था और कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था और कम्युनिस्ट पार्टी का गठन
25 दिसंबर 1925 में हुआ था, तो इस हिसाब से समाजवादी पार्टी सबसे लेट गठन हुआ था। और इस सब का सही जवाब और सबसे तेज जवाब देते हुए लीडर पे जो टॉप पे रहते हैं वो है स्वाति श्रीलेखा। स्वाति श्रीलेखा जो हॉट सीट पे आती है, यह उड़ीसा के रहने वाली है और यह एक इंग्लिश टीचर है। तो आइए शुरू करते हैं इनके साथ केबीसी का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न 1000 रुपये के लिए, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के इस गाने के शीर्षक को पूरा करें, डैश लगा के रखना। ऑप्शन ए सिंदूर, बी काजल, सी बिंदी, डी मेहंदी। तो आप लोग सभी जानते हैं कि ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का एक शीर्षक है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी जो 1955 में फिल्माया गया था। इसी के साथ दूसरा प्रश्न 2000 रुपये के लिए, अपनी ड्यूटी करते समय इनमें से किस पेशेवर द्वारा सीटी के उपयोग करने की अधिक संभावना है। ड्यूटी करते समय कौन सबसे ज़्यादा सीटी को जाता है। ऑप्शन ए नर्स, बी स्टेनोग्राफर, सी ट्रैफिक पुलिस, डी प्लम्बर। आप लोग सबसे जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ज़्यादा सीटी बजाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब तीसरा प्रश्न, इनमें से किस ऐप का इस्तेमाल मुख्य रूप से ऑनलाइन भुगतान के लिए नहीं किया जाता है, मतलब जो दिया गया ऐप है इस ऐप से किसका भुगतान हम लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते। ऑप्शन ए पेटीएम, बी फोनपे, सी रिवागो, डी पेपॉल। तो आप लोग जानते हैं पेटीएम हम लोग पेमेंट करते हैं, फ़ोनपे से भी पेमेंट करते हैं और पेपल से भी पेमेंट करते हैं, लेकिन ट्रिवागो ये पेमेंट ऐप नहीं है। ट्रिवागो जो एक जर्मन ट्रांसनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इंटरनेट पर लोगों की बोर्डिंग डिटेल हो या लॉजिंग वगैरह जो भी सेवाएं हो, जो भी इसकी सेवाएं हो वो आपको ऑनलाइन बताती है। जो अगला सवाल है चौथा प्रश्न, जायफल पेड़ से जायफल के अलावा कौन सा एक दूसरा मसाला प्राप्त होता है। ऑप्शन ए बेलीफ मतलब तेजपत्ता, बी मैके मतलब जावित्री, सी रोजमेरी, डी दालचीनी मतलब सिलोमोन। इस सवाल पे मैडम जी लाइफलाइन लेते हैं, लाइफलाइन ऑडियंस कॉल लेते हैं और ऑडियंस के द्वारा दिया गया सही जवाब है जावित्री। जायफल पेड़ के फल से दो मसाले प्राप्त होते हैं, एक तो है जायफल नेटमेक तथा जावित्री जो कि मेस है। बीज के ऊपर के हिस्से को जावित्री और बीज को जायफल कहते हैं। अब अगला सवाल पांचवा प्रश्न, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए ओ, बी ओ टू, सी ओ थ्री, डी एच टू। तो इसका सही जवाब है ओ थ्री ऑप्शन सी। ओजोन एक ऑलोट्रॉप है, तो ऑलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन इन विच द मॉलिक्यूल्स कंटेन थ्री एटम इंस्टेड ऑफ टू एज इन द कॉमन फॉर्म, मतलब इसमें जो एलोट्रॉप्स होते हैं वह दो एटम के जगह थ्री प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन को यहाँ ओ टू लिखते हैं और ओजोन के लिए ओ थ्री लिखते हैं। इसी के साथ इनका पहला पड़ाव क्लियर हो जाता है। छठा प्रश्न 20,000 रुपये, जयदेव रचित गीत गोविंदम महाकाव्य में दशावतार के वर्णन के अनुसार भगवान विष्णु के दसवें अवतार कौन हैं, मतलब भगवान विष्णु ने किनके रूप में दसवां अवतार लिया था गीत गोविंदम के अनुसार। ऑप्शन ए कुर्म, बी कलिक, सी कृष्ण, डी वामन। तो इसका सही जवाब है कलिक ऑप्शन बी। जयदेव रचित गीत गोविंदम काव्य में भगवान विष्णु ने 10 अवतार के वर्णन हैं और जिनमें उन्होंने बताया कि दुष्ट मनुष्य को संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने कल्कि का रूप धारण करते हैं। जो कुर्म है दूसरा अवतार है, कृष्ण जो है ये इनका 8वां अवतार रहता है और वामन जो है ये 5वां अवतार है। मत्स्य अवतार पहला अवतार है, दूसरा कुर्म अवतार है, तीसरा बरहा अवतार है, चौथा नरसिम्हा, पांचवा वामन, छठा परशुराम,
सातवां राम या रामा, आठवां कृष्ण अवतार, नौवां बुध अवतार और जो दसवां है वो कलिक अवतार है। इस तरह से भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। इन्हीं के साथ तो आज का खेला समाप्त होता है। स्वाति श्रीलेखा के साथ कंटिन्यू एपिसोड 3 में इनके साथ सवाल जवाब रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।